गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यस, आप लोग जुड़ जाइए। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, तो आज ध्यान देने योग्य बातें करेंगे हम लोग। सभी लोग जुड़ जाइए। तो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा राठौर, कुमार अमित, गगन खुराना, सब लोग खुश रहिए। मनीष राठौर, रवि नंदन, दिव्या सिन्हा, यस, सभी लोग जुड़ जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो किसी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वो ये संबंधित है कि परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 तारीख को, उसमें हम जीएस प्रीलिम्स को किस तरीके से टैकल करेंगे। यस, सभी लोग जुड़ जाए। फातिमा, अर्जुन कुमार, दिव्या सिन्हा, शिक्षा राठौर, कुमार अमित, सब लोग जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विजय अग्निहोत्री, कैसे हैं विजय, हाउ आर यू। अर्चना सिंह, सभी लोग जुड़ जाइए। और बिल्कुल लबासना से काल आएगा 2021 में, डोंट वरी, श्योर 100%। तो चलिए, आपने एक वीडियो देखा होगा अभी, जिसमें आपको बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो बनाया गया, और मैं चाहता था कि आप सभी लोग एग्ज़ाम के ठीक पहले इस तरीके की चीज़ों को लेकर के जाएँ, मोटिवेशन लेकर के जाएँ। तो चलिए, आज दो तारीख हो गई, कल 3 तारीख है, 4 तारीख को आपका पेपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैं ज़रूर आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने में मदद मिलेगी। यस, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। कुमार अमित भी बात कह रहे हैं कि सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या बातें ध्यान करनी चाहिए। तो जीएस प्रीलिम्स है आपका 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को जो बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो ध्यान से बातों को सुने। जो एग्ज़ाम दे नहीं जा रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए बातों को ध्यान से सुने। तो जैसा कि आईएएस के जीएस प्रीलिम्स में, अगर हम आईएएस की बात करें, तो आईएएस के जीएस प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। बिल्कुल एकदम पूरा आशीर्वाद है मनीष राठौर, डोंट वरी। प्रियंका जी, भारती सिंह, कुमार अमित, विजय अग्निहोत्री, गिरीश पांडे, अर्जुन कुमार, फातिमा, सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। हिंदी मीडियम के बच्चों को सेशन शेयर भी कर दीजिए। तो बैक टू बैक आपके लिए मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम एकदम जुड़े रहिए, मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल, क्लास कब शुरू होती है, साजिल शाजू पूछती हैं, क्लास मेरी कब शुरू होती है। मेरी क्लास शाजिल एवरीडे 7 PM पे स्टार्ट होती है, ठीक है, एवरीडे। हेलो रणधीर, शिक्षा राठौर, यस, आ जाइए। तो देखिए, हमने ये बनाया हुआ है कि आपका एक पेपर होगा जीएस फर्स्ट का, एक पेपर होगा जीएस सेकेंड का। हमें क्या ध्यान देना है, हम कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ये बात समझ लीजिए। जो हमारा प्रीलिम्स होता है वास्तव में एक क्वालिफाइंग नेचर ही है। यानी प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं लानी है, पहले समझिए। प्रीलिम्स में हमको मेरिट नहीं लानी है, यानी 100 क्वेश्चन आपके जीएस में होंगे, यानी जिसमें प्योर जीएस होगा। आज पूरी बात समझ लीजिए ध्यान से, पूरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि जीएस प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा, एक जीएस फर्स्ट होगा, एक जीएस सेकंड होगा, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट में आपका प्योर जीएस आएगा। प्योर जीएस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या देखने होंगे, बिल्कुल, जिसमें आपको देखने होंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा। तो प्योर जीएस समझ गए होंगे, प्योर जीएस सब जीएस के पोर्शन रहेंगे। और सीसेट की बात करेंगे तो इसमें आपको एरिथमेटिक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, सिलोलिज्म, कंप्रेहेंसन, ये सारी बातें रहेंगी, ठीक, बिल्कुल। तो जिनका एग्ज़ाम है वो सभी लोग जुड़े रहें, जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो भी जुड़े रहें, बातों को समझें ध्यान से, ठीक है, बातों को ध्यान समझिए, जुड़े रहिए। प्योर जीएस में क्या करना है, तो चूंकि आईएएस में माइनस मार्किंग होती है, ठीक है, आईएएस में क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। जीएस फर्स्ट पेपर में भी माइनस मार्किंग होती है और जीएस सेकेंड पेपर में भी माइनस मार्किंग होती है, बिल्कुल। ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही ध्यान से अगर आप सुनेंगे सेशन को, तो ज़रूर 4 तारीख को अच्छा करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने तमाम अनुभवों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, और आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको जाकर के अप्लाई करिए, ठीक। तो माइनस मार्किंग है, तो जीएस फर्स्ट में कितना क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का होगा। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे माइनस मार्किंग काम करेगा, बिल्कुल, माइनस मार्किंग काम कैसे करेगा, 200 नंबर का सवाल है, और एक गलत जवाब देने पर आपका 1/3 भाग कट जाएगा। यानी एक अंक अगर 2 नंबर का है, यानी 2 मार्क का है, एक अंक 2 मार्क का है, तो उसका 1/3 पॉइंट 66 होगा,
तो आपको बचना होगा नेगेटिव मार्किंग में, ज़्यादा क्वेश्चंस करने से बचने होंगे, आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। हेलो रश्मि बैग, शिक्षा राठौर, ग्रीस पांडे, प्रियंका जी, एकदम अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, आपस में बातचीत ना करिए, ठीक है, बिल्कुल सभी को सत सत प्रणाम है। कुमार अमित, यस गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो गांधीवादी हैं, गांधी विचारधारा से हैं उनको भी सत सत नमन है, और जो गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं उनको भी। तो देखिए भारत में दो तरीके के लोग हैं, गर्म दल नरम दल, ये बहुत पहले से आ रहा है। तो बहुत से लोग गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, उनको भी खूब प्रणाम है, जो होते हैं उनको भी प्रणाम है, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग फहरहाल बात कर रहे हैं अपनी यूपीएससी एग्जाम में किस तरीके से निगेटिव मार्किंग से बचे, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे। तो बहुत लोग ये पूछे सर निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, तो अगर एक क्वेश्चन जीएस का दो नंबर का है उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। अगर आपका तीन सवाल गलत हो गया, यानी लगभग अगर तीन सवाल गलत हो गया तो एक सही सवाल आपका चला गया। मान लीजिए आपने चार सवाल किया है, तीन गलत हो गए हैं एक सही है, तो चारों ही समाप्त हो गए, चारों समाप्त हो गए और जीरो हो गया, ठीक है। हम आपको बताएंगे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले क्या करें जीएस फर्स्ट में, सबसे पहले क्या करें जीएस फर्स्ट में, सबसे पहले क्या करें, आपको पेपर मिलता है, ठीक है, आपको पेपर मिलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं वो बताएंगे, आप क्या करते हैं वो बताएंगे, ध्यान सुनिए, देखिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं पेपर मिलते समय, आप क्या करते हैं, आप पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं पूरा, आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर मेरी बात मानेंगे तो जरूर आप अच्छा कर पाएंगे। बताऊं मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम सही, सभी लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और मेरी बात ध्यान सुनिए। यस मोहम्मद राजिक, ओके सादिया अजीज, यस मोहम्मद राजिक, मोस्ट वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है, आप लोग आ जाइए, मैं कुमार मैंक आप लोगों का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आप सभी लोगों के लिए नए नए प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं ताकि आप आईएएस प्रीलिम्स में अच्छा कर सकें, और एक प्रोग्राम 2021 का शुरू हो चुका है यूपीएससी 21, 22, 23, जिसमें हम न्यूज़पेपर को लगातार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर प्रीलिम्स और मेंस की बातें कर रहे हैं, और प्लस चैनल पर हम मेंस की क्लास लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग प्लस चैनल पर एडमिशन ले सकते हैं, मेरा बिल्कुल आसान और प्यारा कोड है K10, K10 को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए, मैं इस पे सवाल कर रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम है वो लोग ध्यान सुनिए, जिनका एग्ज़ाम है, जिनका इस बार एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, उनको क्या करना चाहिए, क्या वो करते हैं। चलिए मैं, आप क्या करते हैं, आपने सवाल पढ़ना शुरू किया, ठीक है, आपने सवाल पढ़ा, आपको पहला सवाल नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ करें। देखिए आप करते क्या हैं कि आप जबरदस्ती अटेम्प्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, आप जबरदस्ती अटेम्प्ट करते हैं, आप जबरदस्ती का अटेम्प्ट ना करिए, जबरदस्ती अटेम्प्ट ना करिए। चलिए मैं आपको बताऊं आपको क्या करना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपका कोई भी सेगमेंट बहुत अच्छा तैयार है, मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा तैयार है, किसी ने कहा हमको हिस्ट्री बहुत आती है। देखिए सभी का सारा सेगमेंट तो अच्छा तैयार नहीं हो सकता है ना, किसी न किसी विषय के प्रति आपकी एक अधिक शिद्दत होती है, किसी न किसी विषय को लेकर के आपके अंदर ज़्यादा लगाव होता है, किसी विषय को लेकर ज़्यादा आपको डेडिकेशन होता है, यानी किसी एक विषय को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं। यस जिस विषय को लेकर के आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा उस विषय के सवाल आप पहले कर लें। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री में है बहुत कॉन्फिडेंस, किसी का जो है पॉलिटी में है कॉन्फिडेंस, किसी का ज्योग्राफी में है, किसी का इकोनॉमी में है, किसी करंट अफेयर बहुत अच्छा तैयार है। मेरी बात सुनिए कि आप क्या करते हैं, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो आप जबरदस्ती की अटेम्प्ट लेना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो सेशन को लाइक करिए, बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, सेशन को आप सभी लोग लाइक कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी छात्रों का भी फायदा हो जाए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको हिंदी मीडियम में अभी तक वो सही गाइडेंस नहीं मिला है। तो जिनको हिंदी मीडियम सही गाइडेंस नहीं मिला है उन सभी लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए, उन सभी लोगों को बताइए कि भाई 4 तारीख को आपका पेपर है तो आप 4 तारीख के लिए क्या क्या करें। हम आपको बता रहे हैं ध्यान देने योग्य बातें,
हम आपको बता रहे हैं ध्यान देने योग्य बातें, लेकिन सभी लोग पहले सेशन को लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए, ठीक है। हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, मैं अपने 16 वर्षों के एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप तो देखने में खुद ही बहुत छोटे लगते हैं। हो सकता हूँ मैं देखने में छोटा लगता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस बहुत वास्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस मेरा बड़ा है, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है मेरा। ध्यान सुनिए, हम आपको बता रहे हैं आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको ये करना चाहिए कि अगर आपका कोई भी, देखिए हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मान लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मोहम्मद राजिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहम्मद राजिक को हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो अब आपको मोहम्मद राजिक को अगर हिस्ट्री बहुत पसंद है तो पेपर मिलने के बाद मोहम्मद राजिक को उस पेपर में जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसे पहचान के टिक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मान ली मोहम्मद राजिक ने पेपर लिया और हिस्ट्री के उनको मिल गए 15 क्वेश्चन, सपोज दैट हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन मिल गए। अब वो 15 क्वेश्चन पहले मोहम्मद राजिक को कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जानते हैं क्या होता है कि एक हिस्ट्री क्वेश्चन दूसरे हिस्ट्री क्वेश्चन से अटैच होता है। जब एक साथ आप हिस्ट्री क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको उसे करने बहुत आसानी होगी। अब देखिए पेपर कैसे बनता है, यूपीएससी पेपर कैसे बनेगा, एक इकोनॉमी, दो इकोनॉमी, फिर 3 ज्योग्राफी, फिर 2 हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स, फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, फिर पर्यावरण, इस तरीके से मिक्स करके बनता है, ठीक है। मिक्स करके बनता है। तो मोहम्मद राजिक ने अगर हिस्ट्री उनका पसंदीदा है तो हिस्ट्री के सारे सवाल आप कर लीजिए एक साथ। अच्छा मान लीजिए हिस्ट्री हो गई, अब 15 क्वेश्चन में से आप मुतमईन हो गए, 15 क्वेश्चन में से आप एकदम श्योर हो गए कि अच्छा 15 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का कर लिया है और इसमें आपको लग रहा 10 क्वेश्चन हमारा एकदम सही है, तो आप 10 क्वेश्चन के लिए श्योर हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो गए बिल्कुल, तो अगर 10 क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो गए तो फिर आपका दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट मान लीजिए आपने इकोनॉमी चुना, है ना। अब इकोनॉमी में आपने देखा, इकोनॉमी और करेंट इकोनॉमी अब देखा तो आपने देखा अरे 25 क्वेश्चन आए हैं इससे, तो इस तरीके से करना है। आपको क्या करना चाहिए, आप फेवरेट सब्जेक्ट की सूची बनाइए पहले। देखिए जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, आप ऐसे कभी नहीं करते होंगे। 4 अक्टूबर 2020 को जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने फेवरेट सब्जेक्ट की सूची बनानी चाहिए। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट की सूची बना लीजिए, अच्छा मेरा पहले नंबर पे हिस्ट्री अच्छा है, दूसरे नंबर पे मान लीजिए ज्योग्राफी अच्छा है, तीसरे आपने कहा अच्छा इकोनॉमी अच्छा है, चौथे आपने कहा करेंट इकोनॉमी अच्छा है, पांचवें नंबर पे आपने कहा अच्छा एनवायरनमेंट इकोलॉजी अच्छा है पांचवें नंबर पे, फिर सातवें नंबर पे कहा अच्छा साइंस एंड टेक अच्छा। इस तरीके से आप सूची बना लीजिए और फिर इस तरीके से आप छाट लीजिए। कैसे छाटेंगे, मान लीजिए आपने पेपर लिया और पेपर का पहला क्वेश्चन इकोनॉमी का है उस पर ई लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का उस पर एच लिख लीजिए। तो एक काम करिए आप 1, 2, 3 इस तरीके से 100 क्वेश्चन तक पहले हिस्ट्री वाला छाट लीजिए, आप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हिस्ट्री लिख लीजिए। जैसे हिस्ट्री मुश्किल से दो से तीन मिनट लगेगा। इसका फायदा क्या होगा, जब हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो बहुत सारे हिस्ट्री क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करेंगे और आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। बताइए अगर आप सहमत हो तो जरूर मुझे बताइए यस सर ये बात बिल्कुल सही है, और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमी का सब्जेक्ट साथ लगाया तो कभी कभी इकोनॉमी के आंकड़े मैच करते हुए आते हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए इकोनॉमी है, दूसरा भी इकोनॉमी है, ऐसे लिख लीजिए। यानी कहने का सेंस ये है कि आप सारे क्वेश्चंस पे वो जिससे रिलेटेड है उसको लिख लीजिए और फिर उस तरीके से करने की कोशिश करिए, ठीक है। उस तरीके से करने की कोशिश करिए तो आप निश्चित रूप से देखेंगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हम आपको बता रहे हैं कि पीटी में परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए क्या करें, परफॉर्मेंस को गुड करना है तो आप प्रीलिम्स में क्या करें, आप करते क्या हैं, आप जबरदस्ती का अटेम्प्ट ना करिए। मान लीजिए हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन हैं, है ना, इकोनॉमी के मान लीजिए 15 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, पॉलिटी का 15 क्वेश्चन है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 15 क्वेश्चन है, और आपका साइंस एंड टेक के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास एक रेशियो आ गया कि अच्छा करेंट अफेयर्स के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं, तो इस तरीके से आपको एक आसानी मिल जाएगी।
हाँ, तो आपको एक साथ सवाल नहीं करना चाहिए, आप पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट की सूची बना लीजिए, अपने पसंदीदा विषयों की सूची बना लीजिए, और पसंदीदा विषयों की सूची बनाने के बाद पहले उस पसंदीदा विषय को करिए, उसके बाद उससे कम पसंदीदा विषय करिए, और जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसे मत करिए। यस, मैं आपसे बता दूं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि भैया हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं पाए हैं, तो आप इकोनॉमिक्स सवाल छोड़ दीजिए, हम आपसे बता दे रहे हैं। देखिए, आईएएस में प्रीलिम्स का क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा मृत्युंजय, टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। और आपका एक श्रम, क्योंकि देखिए 100 में से 100 नहीं करना है भैया, 100 में से आपको 50 से 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, मेरी बात समझिए। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें? प्रशांत तिवारी, अब जो जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेहतर होगा उसे आप सबसे पहले करिए, है ना, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि सर हमें हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, किसी ने कहा नहीं सर हमको इकोनॉमी बहुत अच्छा लगता है। गिरीश पांडे, सुन रहे हमारी बात, गिरीश पांडे, प्रशांत तिवारी, मंजय कुमार, नेहा पांडे, कुमार अमित, सभी लोग ध्यान से हमारी बात सुनिए। हाँ, इसमें वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 100 में से आपको करना है 50 या 60 क्वेश्चन सही, 100 में से 50 या 60 क्वेश्चन सही लगेगा, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर 100 में से आप 70+ की रणनीति बना के जाते हैं, अगर आप 100 में से 70+ की रणनीति बना करके जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है 50-60 आप कर लेंगे। 70 से ज़्यादा मत करिएगा, हम बता दे रहे हैं, 70 से ज़्यादा मत जाइएगा, 70 से 75 क्वेश्चन ही करिएगा। अगर आप 75 क्वेश्चन भी करेंगे और आपके आपके सिलेक्शन होने की चांस, देखिए 100 में से जो 90 करके आया उसका बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, बता दे रहे हैं अभी से। हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना आपका नॉलेज परफेक्ट है, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हम पिछले 8-10 सालों से आप ही लोगों के तो बीच हैं, हम आप ही लोगों के बीच है, तो हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। 100 में से 90 जो करके आए, हमसे कहा कि सर हम 100 में से 90 किए हैं, तो हम उससे कह देंगे भैया तुम्हारा नहीं होगा, यहीं सुन लीजिए, हम आज ही बता दे रहे हैं। जो 100 में से 90 क्वेश्चन करके आए, हमसे कहा सर 100 में से 90 क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो हमारी तरफ से जवाब होगा आपका नहीं होगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम 100 में से 70 क्वेश्चन करके आए हैं, हम कहेंगे यस आपका हो सकता है। कोई हमसे कहेगा सर 100 में से हम 55 क्वेश्चन किए, एक भी गलत नहीं, तो हम कहेगा आप अब मेंस की तैयारी करिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात एकदम ध्यान सुनिए। अगर किसी ने कहा सर हम 100 में से 55 ही किए हैं, लेकिन 55 हमारा सही है पूरा, तो हम कहेंगे आप मेंस पढ़िए। कोई कहेगा सर हम 100 में से, जो कह देगा हम 100 में से 100 करें, हम कहेंगे अब एक काम करो अगले साल तैयारी करो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम सीरियस। किसी ने अगर हमसे कहा सर हम 100 में से 100 कर आए हैं, किसी ने अगर हमसे कहा 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को किसी ने हमसे कहा सर 100 में से 100 कर आए हैं, हम कहेंगे अब 2021 देखो प्रीलिम्स, हाँ प्रीलिम्स 2021 देखिए, आप नहीं होगा आपका सिलेक्शन यूपीएससी में, आज तो प्रीलिम्स में कोई 100 में 100 नहीं कर पाया है, बात समझ आ रहा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही गलत होने का चांस रहता है, बिल्कुल अंकित सिंह इस बात को समझ गए हैं, जितना ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतने आपकी गलती होने के चांस हैं, बिल्कुल एकदम हम सही बता रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। देखिए मोहम्मद राजिक हंस रहे हैं, अदिति मेहता हंस रही हैं, हंसने की बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी हंसी आ रही है, जिनको इस वर्ष नहीं देना उनको बड़ी हंसी आ रही है, और जिनको देना है उनकी हालत पूछिए क्या हाल है, उनकी हार्ट बीट बढ़ गई है, लग रहा है कि वो हृदय वगैरह सब बाहर निकल के आ जाएगा। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। तो हमने आपको बता दिया है ये रणनीति ऐसे करना है, ठीक। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के लिए क्या करेंगे? जो सवाल मन में हो पूछ लीजिए प्रियंका जी, बिल्कुल जो सवाल आपके मन में हो, किसी के भी मन में जो सवाल हो उसको पूछ लीजिए। सवाल को कैसे छोड़ें, बिल्कुल सही बात है प्रशांत तिवारी, आपके हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। और किसी कोई सवाल है रणनीति में? प्रशांत तिवारी पूछ रहे हैं सर सवाल कैसे ड्रॉप करें, सवाल कैसे छोड़ें, सवाल कैसे छोड़ें, ठीक है, सवाल कैसे छोड़ें को जानना है, तो ये समझ लीजिए सवाल कैसे पकड़ें, सही कि नहीं, सवाल कैसे पकड़ें समझ लीजिए। देखिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि सवाल कैसे छोड़ें के बजाय आप ये समझ लीजिए सवाल कैसे पकड़ें, हम कौन से सवाल पकड़ें, कौन सा सवाल हमारे बिल्कुल अथॉरिटी में है, किस सवाल पर कमांड हमारा ज़्यादा है। बिल्कुल शिक्षा राठौर, शिक्षा कुमार, शिक्षा राठौर, मेरिट अलग अलग होती है, डोंट वरी, ठीक है। जनरल की मेरिट जाती है लगभग 55 क्वेश्चंस, हाँ जनरल ओबीसी की मेरिट लगभग लगभग एक साथ जाती है। चलिए
सवाल ये है, प्रशांत तिवारी का सवाल है कि सवाल कैसे छोड़ें, हमारा जवाब ये है सवाल कैसे पकड़ें। अगर आप ये सीख गए कि सवाल कैसे पकड़ें, कौन से क्वेश्चंस हम कर लें, कौन से क्वेश्चंस कर लें, पहली बात। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, मोहम्मद राजिक आप दे रहे हैं। गगन खुराना आर यू देयर, गगन खुराना आप बात सुन रहे हैं। कुमार अमित, कुमार अमित बताइए भाई, अंजलि जी आपका सेंटर कहाँ है कुमार अमित को। हाँ प्रियंका जी, यस मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, वेरी गुड। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, सवाल कैसे छोड़ें इसका मतलब ये हो गया, सवाल कैसे पकड़ें। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहा है, 100 क्वेश्चंस आ रहा है तो कितना चांसेस पकड़ने का, कितना छोड़ने का, 50-50 चांस है। यस 50-50 चांस है क्वेश्चन छोड़ने का, पकड़ने का 50-50 चांस है। यानी अगर हम 50% सवाल पकड़ लें तो हमारा सिलेक्शन श्योर है, 50% सवाल अगर ढंग से पकड़ लें तो हमारा क्वेश्चन एकदम हमारा सिलेक्शन श्योर है। यानी 50-50 चांस है का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तरीका है कि हर दूसरा सवाल आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपके पास एक तरीका है कि आप हर दूसरा सवाल छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि हर दूसरा सवाल पकड़ सकते हैं आप। चलिए अब हम आपके नेचर की बात करें। मान लीजिए आपका जो सेट है, देखिए सेट ए होगा, सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी होगा, सेट डी होगा, ये चार सेट होंगे। यस ये चार सेट होंगे, और चार सेट का मतलब क्या हो गया, चार सेट का मतलब क्या हो गया, चार सेट का मतलब क्या हो गया कि सबका सेट अलग अलग होगा। अच्छा मान लीजिए प्रशांत को, मान लीजिए प्रशांत को सेट ए मिला है ना, और मनीष को सेट बी मिला है, और अंजलि को सेट सी मिला है, और अमित को सेट डी मिला है। ये चार नाम ले लिया हमने, ध्यान सुनिए, बिल्कुल एकदम ध्यान सुनिए, आपको मिला है सेट ए प्रशांत को, और प्रशांत को सेट ए जब मिला तो इन्होंने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जब किया तो इनको सब सही लगने लगा। इनका पांच सही है, इनका पांच सही हो रहा है। जितना सही हो रहा है प्रशांत, जितना सही होता जाएगा बाद में आप सोच लीजिएगा उतना हमें छोड़ना है। किसी अगर 10 क्वेश्चन सही हो जाए तो आप दिमाग में बना ले कि हमें अब 10 क्वेश्चन हटा देना है, ठीक है, हमें 10 क्वेश्चन हटा देना है। ओके 10 क्वेश्चन हटा देना है। अच्छा और सही होता जा रहा है, मान लीजिए आपने 10 तक दिया, आपका 10 तक सही है, अब आपको 11 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, बता रहे हैं प्रियंका, बता रहे हैं, आप लोग कभी घबरा जाते हैं कि भाई हमको तो आ ही नहीं रहा है। एक से लेकर के मैं बता दूं, अगर आपको 50 तक क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहा है तो मत अटेम्प्ट करिएगा, हो सकता हो आने वाले समय में आपको 51 से लेकर के 100 तक आ रहा हो। मेरी बात सुनिए, अगर आपको, मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रशांत गिरीश पांडे, जो बच्चे बहुत सिंसियर हैं ध्यान से सुनिए, मोहम्मद राजिक, अमित, अंजलि, यस आप एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक नहीं आ रहा तो मत करिएगा, ये मत सोचिएगा अरे हमको आ ही नहीं रहा है। यूपीएससी में आपको ईगो को नीचे लेके जाना पड़ेगा, अपना ईगो नीचे रखिएगा, है ना, ईगो, ई यानी एग्जाम, गो माने चला जाएगा, अगर ईगो ऊपर रखेंगे एग्जाम चला जाएगा, अगर ईगो को ऊपर रखा तो एग्जाम गया। पूरा पढ़े हैं फिर भी प्रशांत तिवारी, लाख पूरा पढ़े हैं, पूरा पढ़े हैं, लेकिन आप वास्तव में अगर ध्यान से नहीं करेंगे प्रीलिम्स तो नहीं होगा। प्रीलिम्स पूरा पढ़ने से नहीं होता है, मेरी बात समझ लीजिए, किसी का भी प्रीलिम्स आज तक पूरा पढ़ने से नहीं हुआ है, पूरा पढ़ने से नहीं होता। प्रीलिम्स आपके रणनीति से होगा, आपके तार्किक क्षमता से होगा, प्रीलिम्स आपके कॉमन सेंस से होगा, मेरी बात ध्यान समझिए। बहुत सारे बच्चे पूरा नहीं पढ़ के जाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 10 साल से पूरा पूरा पढ़ पढ़ के तो भी प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करते, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है ना भैया, प्रीलिम्स क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाइंग करना चाहते हैं तो आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, सभी आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो आप एकदम अलग सोचते हैं,
और इसी बता दें आपसे, आज मैं रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ आप लोग, शायद आपको विश्वास हो भी जाए या नहीं भी हो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, विश्वास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना भी पढ़ते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं सिर्फ उसका 40% आपको याद रहता है। यस, सिर्फ 40%। और मैं आपको बता दूँ कि आपके 100 क्वेश्चन में सिर्फ 40 वाला ही पढ़ा हुआ आता है, एकदम सही बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। आपके जो पेपर होते हैं ना, पेपर पेपर में, अच्छा अगर पेपर में बताइए 100 में 100 पढ़ा हुआ आ जाए तो मेरिट 100 में 100 चली जाए। मेरिट कहाँ 100 में 100 जाती है, मेरिट कहाँ 100 में 100 जाती है बताइए, मेरिट कहाँ 100 में 100 जाती है। यानी 100 में से सिर्फ 40% पढ़ा हुआ आता है, बाकी 20% आपका कॉमन सेंस है, योर सीएस। हेलो, आई एम राइट, इज इट करेक्ट। जितना भी आप पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, 10 साल पढ़ लें, 20 साल पढ़ लें, 50 साल पढ़ लें, लेकिन आपके पढ़ाई का सिर्फ 40% आता है। बिल्कुल, आपके पढ़ाई का 40% आता है, तो 40% आपने जो पढ़ा है वो आएगा, प्लस 20% जो आपका कॉमन सेंस है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, कॉमन सेंस। इसी 20% एक्स्ट्रा करने से ही सिलेक्शन होगा, इसी 20% एक्स्ट्रा करने से ही सिलेक्शन होता है। कोई भी लड़का, कोई बंदा, कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता है कि मेरा 100 पे 100 हो गया, नहीं हो सकता आपका सिलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20% अपने कॉमन सेंस को स्ट्रांग करिए और 40% आपका पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, हमने जैसे बताया, आप पहले इकोनॉमी कर लीजिए जो आपका अच्छा हो, या पहले हिस्ट्री कर लीजिए, या पहले पॉलिटी कर लीजिए, या पहले ज्योग्राफी कर लीजिए। आप ध्यान रखिए, हमें 100 में से 70+ ही करना है, 70+ ही करना है। डाउट वाले क्वेश्चन के लिए क्या करें, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, 100 में से उसने कहा भैया हमको 40 हमारा तो सही हो गया है, और उसके पास लगभग 40 सही हो गया है। अब उसके पास 30 क्वेश्चन डाउट का है, और इस डाउट में से 20 क्वेश्चन में इतना डाउट है कि वो बिल्कुल श्योर नहीं है, 10 क्वेश्चन में वो इतना 50-50% है। मेरी बात सुनिए, 10 क्वेश्चन में वो 50-50 है, और 20 क्वेश्चन में एकदम श्योर नहीं है। तो पहला काम करिए, अगर 20 क्वेश्चन में आप एकदम श्योर नहीं हैं, तो आप एक काम करिए, इसमें एक विकल्प पकड़िए और उसे एक विकल्प को लगा दीजिए। चलिए रिस्क ले लीजिए, अब आप 40 में तो वैसे होना नहीं है, 40 में सिलेक्शन देखिए होगा नहीं। मान लीजिए आपको 40 ही आ रहा है, क्या करेंगे, 40 में तो एकदम आपको होगा नहीं, तो आप 20 क्वेश्चन में ए लगा लीजिए। तो 20 क्वेश्चन आपने ए लगा लिया, और 20 का 1/3 सही हो जाएगा, यानी लगभग 7 क्वेश्चन आपका सही हो गया। और 50-50 वाले में 10 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो 7, 5, 12, यानी 40+12 ये हो गया 52 क्वेश्चन सही हो गया है। इसका 5 गलत हुआ है, इसका 13 गलत हुआ है, यानी 18 गलत हो गया है, 52 लेकिन आपका सही हो जाएगा। तो आप अब किस्मत के सारे रह सकते हैं कि मेरिट नीचे जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए, हाँ जो आपको अच्छा लगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट करिए, तकनीक सीख लीजिए हमसे। बहुत लड़के डाउट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अच्छा इसमें ए लगा दें, इसमें बी लगा दें, इसमें सी लगा दें, इसमें डी लगा दें। प्रायिकता कहती है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन का ए विकल्प होगा, 33 का बी होगा, 33 का सी होगा, 33 का डी होगा, ये प्रायिकता कहती है। प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं कि नहीं बताइए, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। और अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का, आप कोई सेट लीजिए और उस सेट में 100 क्वेश्चन में से सब ए लगा डालिए, बैठ करके देखिए कितना ए सही है उसके आंसर में, तो आप देखेंगे 33% के करीब या 30% करीब ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो निगेटिव मार्किंग जीएस फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट ही आपका क्वालिफाइंग है, सेकेंड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, जीएस फर्स्ट ही आपका क्वालिफाइंग है। तो जीएस फर्स्ट अगर क्वालिफाइंग है तो जीएस फर्स्ट में ही आपको अच्छा करना है। हेलो, और कोई सवाल पूछना है किसी को? हाँ, कैटेगरी बता देते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 55 सही होना चाहिए, ओबीसी वालों का भी 55 के करीब सही होना चाहिए, एससी कैटेगरी वाले बच्चों का लगभग 45 सही होना चाहिए, और एसटी वालों का लगभग 35 सही होना चाहिए। सब बता दिया हमने,
सर जो सवाल पढ़े हुए टॉपिक से आए पर हमारी पराकाष्ठा से बाहर हैं, भाषा की वजह से या किसी और वजह से, उन्हें छोड़ना सही रहेगा? प्रशांत तिवारी, बात पराकाष्ठा की नहीं है, आपके तैयारी की है। अगर आपकी तैयारी से पढ़े हुए लग रहे हैं और आपको लग रहा है सही नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा है मगर आपको डाउट है तो डाउट मत लीजिए। पहले फेज में एग्जाम को तीन लेयर में करिएगा। एग्जाम प्री की हम बात कर रहे हैं, लेयर वन ठीक, लेयर टू और लेयर थ्री। लेयर वन में क्या करना है आपको बताइए। लेयर वन में सबसे पहले जो आ रहा है वही करेंगे, लेयर वन में जो आ रहा है वही करेंगे, लेयर टू में जो 50-50 वाला है वो करेंगे, लेयर थ्री में जो एकदम से नहीं आ रहा उस पर सोच सकते हैं। एकदम मतलब कहीं कहीं डाउट है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग हमको? आर यू गेटिंग? प्रशांत, गिरीश पांडे, हर्ष, कितने नंबर का होता है प्री? हर्ष सिंह, 200 नंबर का प्री होता है। मेरी बात सुनिए, हमने कहा कि आपको L1, L2, L3 में एग्जाम देना है और L4 ले लीजिए। L4 मतलब जो नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको चार लेयर में एग्जाम देना। चलिए, हेलो सुनिए सब लोग, हेलो, यस, कटाप बता दे रहे हैं बिल्कुल। चार लेयर में पहले में क्या करना है, जो आपको एकदम 100% आ रहा है, जो एकदम श्योर हैं, यू आर श्योर, आप एकदम श्योर हैं। अगर आप एकदम श्योर हैं तो आप L1 में जाइए, करिए। L1 में क्या करना है, एकदम श्योर, 20 सवाल आ रहा है पहले वही करिए, 10 आ रहा है वही करिए, 50 आ रहा है वो करिए, किसी को 20 आ रहा होगा वो करे, बिल्कुल एकदम श्योर। तो 100% श्योर वाला सवाल कर लीजिए। अब मैं बता दूं, बहुत कम बच्चे होंगे जो 100% श्योर होंगे, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं। अच्छा, L2 वाले में फिर आप 50-50 पर जाइए, जो 50-50 है, मेरी बात सुनिए, यस मेरी बात सुनिए। और L3 वाले में आप कैसे कर सकते हैं, 30% या 40% पे चांस ले सकते हैं। L4 में जो एकदम नहीं, कभी देखा ही नहीं है, आसमान से उतर के आ गया है, एकदम अजीबोगरीब है, सम वियर्ड, आप उसको छोड़ दीजिए। L4 मतलब जो एकदम नहीं आ रहा है। अब मैं बता दूं आपका, मैं आज अब बता देता हूं क्या क्या होगा। L1 में आपको लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक। L2 में आपका रेशियो रहेगा लगभग लगभग 25 क्वेश्चन का। L3 में आपका रेशियो रहेगा लगभग 20 क्वेश्चन का, यही है, और बाकी 25 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बता दे रहा हूँ, भविष्यवाणी है आज की, बता रहा हूँ अदिति मेहता, डोंट वरी, ये भविष्यवाणी है। 30, 35, 55, 20, 75, इतना ही मैं करने को बोल रहा हूँ, इतना मैं करने को बोल रहा हूँ आपको, 70+, इतना मैं करने को बोल रहा हूँ। हेलो एवरीबडी, आर यू गेटिंग? मैं कह रहा हूँ L1 में आपको 30 क्वेश्चन एकदम आएगा, एकदम श्योर 30 क्वेश्चन आएगा। L2 में आपको 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 50-50 रहेंगे। L3 में आप 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको 30% आ रहा होगा। अब मैं यही बोल रहा हूँ करने के लिए, आप L1, L2, L3 अपनाइए, और L4 में 25 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको एकदम आएगा नहीं, आप टच ही मत करिए। बता रहा हूँ कुमारा मिस, डोंट वरी, मैं तो हिंदी मीडियम की हूँ। सर जी, क्या हम लोग 100% श्योर नहीं होंगे? नहीं, कभी नहीं। बात यहाँ मीडियम की नहीं है, इंग्लिश वाले भी नहीं होते 100% श्योर, बात यहाँ मीडियम की नहीं है। बता रहा हूँ भैया दीपक जी, डोंट वरी, बता रहे हैं, डोंट वरी। हाँ, यही तो पीक टाइम है ना, फाइनल टच देने की बात हमने कही थी, आज हम फाइनल टच दे रहे हैं, यस, आज हम फाइनल टच दे रहे हैं। तो आप 100% L1 मतलब एकदम श्योर हो जाइए, क्लियर हुआ? L1, L2, L3, 4 फार्मूला याद रहेगा, L1, L2, L3, L4 फार्मूला याद रहेगा। राजिक, हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं लगातार पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं जान रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीसेट का सिर्फ 27 क्वेश्चन सबको करना है, कोई इसमें कैटेगरी नहीं है। हेलो, L1, L2, L3, L4 सही रहेगा, सही रहेगा। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? चलो यस बोलिए,
L1, L2, L3, L4 इज फाइन, एक कॉन्सेप्ट दे दिया हमने, L1, L2, L3, L4 फाइन रहेगा, ओके ओके चलिए, तो L1, L2, L3, L4 5 करना है, ठीक है, L4 नहीं करना है, 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आएगा, सर इंग्लिश मीडियम से ज्यादा तेज तो हिंदी मीडियम के होते हैं बिल्कुल मोहम्मद राजिक, आई एम एग्री विद यू, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, यस। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सेकेंड वे की बात करते हैं, सी सेट पर आ जाएं, अब सी सेट पर आते हैं। तो एक फार्मूला दे दिया हमने आपको कि आप जो लोग प्री दे रहे हैं, हेलो प्रशांत तिवारी, जो प्री दे रहे हैं वो L1 प्लस L2 प्लस L3 और माइनस L4, ये फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूला याद रहेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस L4, यही फार्मूला याद रखना है। विद्या यादव, शिवानी रिचारिया, यही फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सी सेट की, आ जाइए सी सेट में क्या करेंगे, सी सेट सबसे हलवा वाला पोर्शन है, पहला पेपर अच्छा होगा तो दूसरा दीजिएगा, पहला नहीं अच्छा होगा तो मत दीजिएगा सी सेट, चले आइए घर आराम करिएगा, मेरी बात सुनिए, अगर आपका जीएस फर्स्ट अच्छा हो जाएगा तभी जीएस सेकंड दीजिएगा, क्योंकि जीएस सेकंड क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो जीएस फर्स्ट अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या करेंगे, मेरिट कहां से बनेगी, मेरिट जीएस फर्स्ट से बनेगी, आपकी मेरिट कहां से बनती है, मेरिट हमारी बनेगी जीएस फर्स्ट से, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। L4 का मतलब ये है जो बिल्कुल नहीं आएगा, वर्मा जी मेरिट हमारी कहां से बनेगी, मेरिट हमारी बनेगी जीएस फर्स्ट से, मेरिट हमारी बनेगी जीएस फर्स्ट से, ठीक है, और जीएस सेकंड में सी सेट में अगर आप सी सेट कर भी लें बहुत बढ़िया, कोई 80 में से, देखिए 80 में से 80 कर सकते हैं सी सेट, यस आई एम एग्री, 80 में से 80 कर सकते हैं, 80 आउट ऑफ 80 आप कर सकते हैं सी सेट, डोंट वरी, मैं इससे सहमत हूं, हम लोगों ने खुद किया है, 80 में 78-75 जब आया सी सेट हम लोगों ने खुद किया है, हम सभी लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स से, हमारे बहुत सारे फ्रेंड IITians से, वो सभी लोगों ने किया है, कर सकते हैं। क्यों सर, अगर पहला अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा हो सकता है अच्छा, क्योंकि लोग और मेहनत करेंगे ना सर, मैं राजीव ये कह रहा हूं, पहला नहीं अच्छा होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप उसको दिल से मत लीजिए, मेरे शब्दों को आप लिटरली मत लीजिए, यस आप एकदम शब्द शब्द मत जाइए, मेरी भावनाओं को, मेरी फील को समझिए कि आपको पहला बहुत अच्छा करना ही है। चलिए बात समझिए, सी सेट में 80 आउट ऑफ 80 कर सकते हैं, अगर किसी को 80 आउट ऑफ 80 आता है, कोई मुझसे पूछता है सर सी सेट में मुझे, सी सेट मुझे 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है, मैं कहूंगा कर डालो, बहुत नेगेटिव मार्किंग हुआ तो भी आपका 27 सही हो जाएगा, मेरी बात सुनिए, अगर कोई मुझसे कहता है सर मुझे 80 में 80 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कर डालो, नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जिनको नहीं आ रहा है वो 80 में से मैक्सिमम 45 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, 45 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, सी सेट आसान है, सी सेट बहुत आसान है, यहां पर एक सवाल ढाई नंबर का होगा, ढाई को आप भाग कर दीजिए 3 से, 0.80 कटेगा आपका मैथ मार्किंग में, आप कर डालिए, अगर आपको आ रहा है 40-45-50 जो आ रहा कर डालिए, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि 80 में से आपने 60 कर दिया, ठीक है, अब आपका मान लीजिए 30 सही है और बाकी के 30 गलत हो गए, तो 30 गलत होने मतलब क्या हुआ, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये 20 रह गया। अब वास्तव में निगेटिव मार्किंग में ज्यादा करना बेवकूफी है, एक ही बता दें, चाहे वो सी सेट हो चाहे वो जीएस फर्स्ट हो, निगेटिव में आप अगर जीएस फर्स्ट भी ज्यादा करेंगे तो भी बेवकूफी है और जीएस सेकंड कर रहे हैं तो भी बेवकूफी है, सी सेट क्वालिफाइंग है, वास्तव में जीएस का पूरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाइंग है, तो अगर सी सेट में आप ज्यादा ना करें, आपको बस क्वालिफाइंग करना है, तो आप सी सेट में क्या करिए, सी सेट में आप 80 में से बहुत होगा 40 प्लस कर दीजिए, या बहुत अच्छा लग रहा है 45 प्लस कर दीजिए, बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम सही बता रहे हैं, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, आप हमसे पूछिए सर ये कैसे होगा। तो चलिए अब
बिल्कुल कंक्लूजन दे दें आपको कि सी सेट में 80 में से कितना करके आएंगे 45, और जीएस में 100 में से कितना करके आएंगे 75 प्लस, नहीं 70 प्लस या 75, 70 से 75। हेलो एवरीवन, गिरीश पांडे, प्रशांत तिवारी, अनुपम, मम्मर राजिक, शीला कुमारी, सुमित, ज़्यादा नहीं करना है, सी साइड में मज़ा आता है तो मज़े मज़े में कहीं सजा ना मिल जाए। सूरज गुप्ता, ममता यादव, हेलो एवरीबडी, आर यू लिसनिंग मी, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से, आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे ही करना है, समझ रहे हैं, सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, बस आप ही लोगों के लिए लेकर के आया था। वर्मा जी डरिए नहीं, एकदम मेहनत से करिए, हो जाएगा। हाँ, डाउट क्या है? अस्तित्व मिश्रा, बताइए क्या डाउट है आपको, क्या डाउट है बताइए। प्रशांत तिवारी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। कोई और सवाल हो तो पूछिए। कंक्लूजन निकाल दिया हमने, आपका निष्कर्ष क्या है, क्या कंक्लूजन निकला इस क्लास का? इस क्लास का कंक्लूजन ये निकला है, पहला कंक्लूजन ये है कि जीएस फर्स्ट में आप फेवरेट सब्जेक्ट बना करके सॉल्व करेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट बना करके सॉल्व करेंगे, और दूसरा ये है कि जीएस फर्स्ट में 100 में से 70 से 75 से ज़्यादा नहीं करेंगे, और तीसरा निष्कर्ष ये है कि सी सेट में 80 में से आप 45 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तुक्के के लिए कुछ बता दीजिए, तुक्का मेरी लिस्ट में नहीं है। तुक्का मेरी लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल साबित होगा 100%। साजिल, अच्छा साजिल नाम है, राजिक मत बोला करिए, ओके साजिल, राजिक साजिल, हेलो साजिल, मिलेगा मेंस, मिलेगा मेंस, मिलेगा तो हम लोग मेंस के लिए भी अच्छा करने वाले हैं, और आपको यही इन्फॉर्म कर दूं, मेंस की क्लास अन अकेडमी के प्लस पर चलेगी मेरी, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड, आप मेंस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें हम जीएस थर्ड जीएस फोर्थ जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं। यस, आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। K10 मेरा बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बहुत ही बढ़िया कोड है, आप यूज कर सकते हैं, दूसरों को यूज करवा भी सकते हैं, जो लोग प्लस से पढ़ रहे हैं उनसे मिल सकते हैं, और बहुत बढ़िया गाइडलाइन आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई सवाल जवाब हो तो क्या करना है? बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है सभी लोगों को सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, सबको बहुत पसंद आया होगा सेशन, अगर सेशन पसंद आया है तो सब लोग, यस सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, सेशन को लाइक करिए, ठीक, चलिए। We'll be right back.